हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदर, यू आर वाचिंग माय चैनल रदर रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सैमसंग का इन्वर्टर एसी है, ब्लू स्टार का इन्वर्टर एसी है, गोदरेज का इन्वर्टर एसी है, लॉयड का इन्वर्टर एसी है, वोल्टास का इन्वर्टर एसी और उल्का फोर्ब्स का इन्वर्टर एसी है और उसमें EH60 करके एरर आ रहा है, तो EH60 एरर क्यों आता है, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज जैसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे सैमसंग ब्लू स्टार, गोदरेज, लॉयड और वोल्टास और यूरिका फोर्ब्स इन्वर्टर इसी में अगर EH60 करके एरर आता है तो वो एरर है गाइस आपका इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट है। तो अब रूम टेम्परेचर सेंसर में आप कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इंडोर यूनिट में रूम टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, हो सकता है चूहे ने उसे ब्रेक कर दिया हो तो वो एरर आएगा आपका। और एक बार आप खोल के देख लीजिए, अगर चूहे ने ब्रेक नहीं किया है वायर, तो आप अपने पीसीबी से इंडोर टेम्परेचर सेंसर के वायर को निकाल के फिर से लगाइए, लूज कनेक्शन की वजह से भी ये एरर आता है। और इसके बावजूद अगर आपका एरर नहीं हटता है तो आपको रूम टेम्परेचर सेंसर चेंज करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर सेंसर चेंज करने के बाद ये EH60 वाला जो एरर है पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें।